बंगाल की वीरभूम में जो हत्याएं हुई हैं उसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया है। बंगाल में जिस तरह से 6 महिलाओं और 2 बच्चों को जिंदा जला दिया गया, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय पर चिंता जाहिर की है। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और आज सूबे की मुखिया ममता बनर्जी इतना सब होने के काफी बाद वहां पहुंची। इस विभत्स घटना पर बीजेपी ने बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और सत्तारूढ़ टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि इस मामले में जितनी बर्बरता हुई उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। संबित पात्रा ने कहा कि बीते एक हफ्ते में 26 राजनीतिक हत्याएं बंगाल में हुई हैं। ममता बनर्जी को इन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीरभूम में जहां निर्मम हत्याएं हुई हैं, वहां की महिलाएं कह रही थी कि घटना के बाद पुलिस गायब थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रशासन को निर्देश मिला था कि पुलिस को वहां पहुंचने नहीं देना है, इसलिए वहां एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचने दी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बंगाल में बदले की ये जो राजनीति हो रही है इसके कई पन्ने हैं। ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने अब तक बीजेपी के करीब 200 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि बंगाल के कुछ नेता निर्मम हत्याओं पर चादर ढकने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया था, सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। आज जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई है उसमें साफ है कि महिलाओं और बच्चों को बर्बरतापूर्वक मारा पीटा गया। अब वो नेता कहाँ है? इतना सब होने के बावजूद सीएम ममता बनर्जी का बीरभूम जाना ठीक वैसा है जैसे 900 चूहे खाकर दीदी हज को चली। बीरभूम में जिस तरह लोगों को जिंदा जला दिया गया और उसके बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार सो रही है, लगता है पश्चिम बंगाल के लोगों से ममता बनर्जी को जरा भी ममता नहीं है।